तो चीन का हमेशा ख्याल रखिएगा, अगर चीन छूट गया तो समझिए कि गड़बड़ काम गड़बड़ हो जाएगा, है ना, सब काम बिगड़ जाएगा। इसलिए काम बिगाड़ना नहीं है, काम बनाना है। एगो ईटा भार आइल कि सब हर 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 गिर जाए, ऐसे गिराओ कि नहीं क्या। जय हिंद बच्चों। चलिए हम लोग आज 9th क्लास में चलते हैं। 9th क्लास में हम लोग अध्याय 2 पढ़ रहे हैं, पॉलीनोमियल यानी बहुपद। तो बहुपद में प्रश्नावली 2.5 हम लोग पढ़ रहे हैं। प्रश्नावली 2.5 के पहला सवाल है ना, पहला सवाल क्या पहला बनेगा है ना। तो पहला सवाल क्या कह रहा है इसमें, उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात करें। क्या कहना है, गुणनफल ज्ञात करना है, सर्व समीकरण यानी फॉर्मूला का प्रयोग करना है। क्या कहे, फॉर्मूला का प्रयोग करके हम लोग को बताना है ना, क्या बताना है, बताना है माने गुणनफल ज्ञात करना है। सवाल क्या दिया है, देखो सवाल देख लेते हम लोग क्या दिया है। दिया है x प्लस 4 और दूसरा दिया है x प्लस 10। क्या दिया है, x प्लस 10 है ना। इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, x प्लस a है ना और x प्लस b, इसका क्या फॉर्मूला होता है, तो x स्क्वायर क्या होता है, x स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, ए प्लस बी गुने एक्स आ प्लस ए गुने बी, ये फॉर्मूला होता है, इसको ध्यान रख लीजिएगा है ना। तो ये फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला पर हमको लेकर चलना है। ऐसे गुणनफल तो हम लोग वर्टिकल मेथड से भी निकाल सकते हैं है ना, हॉरिजॉन्टल मेथड से निकाल सकते हैं, लेकिन यह फॉर्मूला से निकालेंगे तो अच्छा होगा, जल्दी बन जाएगा। तो वही यहां कह रहा है सर्व समीकरण का प्रयोग करके, कह रहा है सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात करें, गुणनफल को ज्ञात करना है। तो चलिए यहां पर एक्स का हो जाएगा, एक्स एक्स हो जाएगा, आ ए हो जाएगा 4 और बी हो जाएगा 10। तो इसका फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा, अगर फॉर्मूला हम लोगते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस है ना ए प्लस बी गुने एक्स प्लस ए गुने बी, फॉर्मूला लिख देते हैं। फॉर्मूला इसलिए लिखे हैं ताकि बच्चों को समझ में आएगा। अब देखिए पहला बार हम लिख रहे हैं फिर नहीं लिखेंगे। चलिए x कितना है, तो x x से है, x स्क्वायर, अच्छा a कितना है, तो a है 4, a है 4, b कितना है 10। चीन का प्रयोग लेते चलना है, चीन का प्रयोग करते हुए है ना, फिर x आई ए गुने बी, ए कितना है, a है 4 और b है 10। चलिए तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर कितना हो जाएगा, कितना होगा x स्क्वायर है ना, यहां जोड़ देंगे 10 4 14 गुने एक्स और प्लस 10 4 40, इतना ही हमारा आंसर आ जाएगा है ना। इस तरह हम लोग निकाल लेंगे, समझ में आया कि नहीं आया, एकदम आसान है ना। एक्स स्क्वायर ए प्लस बी गुने एक्स प्लस ए गुने बी, तो इस तरह बन जाएगा हम लोग गुणनफल, इस तरह निकाल लेंगे कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40। चलिए दूसरा सवाल लेते हैं, दूसरा सवाल किस तरह का है, इसमें पहला सवाल समझ में आया कि नहीं आया, ये हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी है ना, ये बी है, ये हो जाएगा, आप फॉर्मूला लगा देंगे, फॉर्मूला लगा के सेट कर देंगे, जो जो ए क्या है तो 4 है, बी कितना है तो 10 है, प्लस ए कितना है, बी कितना है, यहाँ गुना कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे, ये जोड़ने पर 14 हो गया तो 1 हो गया, 14x 10 40, इस तरह लिख देंगे। अच्छा चलिए दूसरा सवाल देते हैं, दूसरा सवाल देखे समझिए, चलिए दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल है x प्लस है ना x प्लस 8 है ना, और फिर है x माइनस 10। चलिए इस तरह का सवाल है, तो इसमें क्या होगा, x तो x रह जाएगा, a हो जाएगा 8 और माइनस 10 हो जाएगा b। चलिए लेके चलते हैं, फॉर्मूला वही होगा क्या, x स्क्वायर a प्लस बी है ना, a प्लस बी गुने एक्स प्लस ए गुने बी। चलिए दो चार को फॉर्मूला बना लीजिए, याद हो जाएगा, दो चार को फॉर्मूला बना लीजिएगा, फॉर्मूला आपको अपने आप याद हो जाएगा। चलिए एक्स स्क्वायर यहाँ पर हम लोग देंगे, एक्स स्क्वायर ए कितना है, ए है 8, बी कितना है, तो बी माइनस में, ध्यान दीजिए यहाँ बी माइनस में क्या है, माइनस दस आ गुने एक्स, अच्छा ए गुने बी, ए है 8 गुने बी है -10, बी है। तो चीन का हमेशा ख्याल रखिएगा, अगर चीन छूट गया
तो समझिए कि गड़बड़ काम गड़बड़ हो जाएगा, है ना, सब काम बिगड़ जाएगा। इसलिए काम बिगाड़ना नहीं है, काम बनाना है। इसलिए चीन का ध्यान रख के चलना है। इसी पर सब कुछ है, जहां ये गोईटा बाहर आई कि सब हड़ हड़ गिर जाए। ऐसे गिराओगे नहीं है, चल जाओ का हो जाए एक सौ स्क्वायर। अच्छा ये का हो जाए प्लस माइनस माइनस, चीन बदल जाए प्लस माइनस माइनस, कितना हो जाए माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, है ना। आर्द्रास चलिए कितना हो जाएगा एक सौ स्क्वायर। अच्छा घटे कितना है इसमें से प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस से घटे चीन बढ़ेगा, तो दस में से आठ गया दो माइनस दो आया, है ना, एक माइनस अस्सी। चलिए आगे चलते हैं, एक सौ स्क्वायर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो माइनस टू एक्स और माइनस अस्सी, है ना, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह हम लोग गुणनफल ज्ञात करेंगे फॉर्मूला से, सर्व समीका का प्रयोग करके हम लोग गुणनफल ज्ञात करेंगे। कितना आसान है ना। तो आप लोग पहले पढ़े होंगे, जो वीडियो बनाए होंगे वर्टिकल मेथड हॉरिजॉन्टल मेथड, है ना, अगर नहीं देखे होंगे तो इसके नीचे डिस्क्रिप्शन हम डाल देंगे, दोनों तीनों वीडियो डाल देंगे, है ना। ये तो तीसरा सूत्र सही है, लेकिन तीनों डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप उसको देख लीजिएगा तो और समझ में आएगा अच्छा से, और ऐसा समझ में आएगा कि किस तरह हम बनाते हैं तीन विधि से, है ना, गुणनफल। चलिए ये अलजेब्रा का है गुणनफल, तो इस तरह हम लोग इसको ध्यान से पढ़िए, ध्यान से समझिए, फॉर्मूला याद कर लीजिए। ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी मतलब क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी गुने एक्स प्लस ए गुने बी। फॉर्मूला को रट जाना है, तभी जाकर समझ में आएगा और बनेगा। फॉर्मूला नहीं याद होगा तो नहीं बनेगा, कभी से नहीं होगा। ना तो चलो वर्टिकल मेथड चलना पड़ेगा, वर्टिकल मेथड, और ना तो चलना पड़ेगा हॉरिजॉन्टल मेथड, उसे बना सकते हैं, है ना। तो चलिए आज हम इतना ही। अच्छा, जय हिंद जय भारत।